मानवता और समाज सेवी की मिसाल बनकर सामने आए ठिकरी के युवा। कोरोना महामारी में समुचित इलाज और संसाधनों के अभाव में अपने मामा की मौत और लॉकडाउन के दौरान गरीबों की पीड़ा से आहत युवा ने अपनी भविष्य की जमा पूंजी और मोबाइल बेच जरूरतमंदों पर खर्च कर दिया। वहीं आरओ चिल्ड वाटर का छोटा प्लांट लगवाया, जिसके उद्घाटन का रिबिन सफाई कर्मियों से कटवाकर नगर के 5 सफाई कर्मियों को शॉल शिफल देकर सम्मानित किया। बड़वानी जिले के ठिकरी निवासी पंकज गुप्ता मध्यम वर्गीय परिवार से होकर मानव सेवा की मिसाल बनकर सामने आए हैं। पेशे से कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर युवा पंकज ने अपने भविष्य की जमा पूंजी करीब 1,00,000 रुपए की FD तुड़वा कर ठिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक ऑक्सीजन कंट्रेटर मशीन भेंट की। साथ ही ठिकरी सब्जी बाजार में चिल्ड वाटर का छोटा प्लांट लगाया, जिससे कि आसपास ग्रामों से आने वाले के कंठ तर हो सके। जी, मैं कुछ समय से देख रहा हूँ, अभी कोविड के कारण बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ पे बहुत आसपास के गांव से लोगों गरीब सब्जी वगैरह बेचने आते हैं, उनको कोई पानी की बिल्कुल व्यवस्था पानी की नहीं मिल पा रही थी। कोई भी गरीब साथ में पानी की बाटल नहीं लेके आता है, तो मुझे लगा कि यार इनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया, तो मैंने ये पानी का चिल्ड वाटर इनके लिए प्लान मैंने करा हुआ है। जी हाँ, अभी 1 महीने पहले मेरे मामा जी हैं, उनकी डेथ हो गई थी कोविड के कारण। स्थिति अभी हालात ये हैं कि उनको कहीं भी बेड की व्यवस्था नहीं मिली, ना ऑक्सीजन उनको मिली। अगर मेरे मामा जी को व्यवस्था मिल पाती तो आज हमारे बीच में होते वो। तो मुझे बहुत ही उसका दुख हुआ, तो मैंने सोचा कि यार ऐसा पैसा किस काम का। तो फिर मैंने मेरी 1,00,000 की FD थी वो मैंने तोड़ दी, और उसमें से 65,000 रुपये की एक कॉन्सनट्रेटर ऑक्सीजन मशीन ली मैंने, और मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने दान कर दी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि बहुत से परिवार हैं जिनको न तो शासन से कुछ मदद मिल पा रही है और न ही उनको कोई सुविधा मिल पा रही है। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके घर घर जाकर उनको राशन मैंने बांटा। उसके बाद फिर अभी ये पानी का प्लांट मैंने लगाया हुआ है। जी हाँ, मैंने एक फेसबुक पे ऑनलाइन कैंपेन चलाया था, जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि जिनको भी जो कोविड पेशेंट है, अगर उनको मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। तो कई लोगों ने मुझसे संपर्क करा, और मैंने पहले प्रूफ देखा कि ये हकीकत सच है या नहीं, उसके बाद मैंने ऑनलाइन उनके खातों में मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र करा। जी, मेरा मकसद यही था कि मैं किसी बड़ी नेता को नहीं बुलाऊं, तो मैं इसकी ओपनिंग हमारे जो गाँव के सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा मैं करवाना चाह रहा हूं। और मैं एक समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम तो गंदगी करने वाले हैं, लेकिन ये हमारे शहर को जो साफ सुरक्षित रख रहे हैं, ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं। इनके कारण ही हम कहीं आज सुरक्षित हमारे घर में बैठे हुए हैं। तो इनको आप एक उचित सम्मान की निगाह से देखिए। मैं देखता हूँ कि कई बार इनको हीन भावना का सामना करना पड़ता है। और मैं एक चीज़ और मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मेरा वर्क है, मेरे भाई दोस्त मेरे हैं लकी राठौड़, अंकल राकेश जी गुप्ता, मेरे दोस्त अजय गोस्वामी, इन लोगों ने पूरा भरपूर सहयोग दिया, और मेरा भाई मुस्तफ़ा बोरा, इसने बहुत दिल से मेहनत करी, इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। इसने और सबसे यही निवेदन है कि गरीबों की सेवा में अलग लग जाइए, नफरत छोड़ दीजिए और सब भाईचारे से रहिए। जी हाँ, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे, अभी ये वाटर प्लांट कम से कम मेरे को 40,000 बजट में पड़ गया था। तो पैसे की कमी होने के कारण फिर मेरा जो मोबाइल था वो मोबाइल भी मैंने बेच के, और उससे जो मेरी धनराशि आई तो मैंने पूरी इसमें लगा दी मैंने। वहीं अपना मोबाइल बेचकर गरीब परिवारों को राशन वितरण कर उन परिवारों की मदद की। मानव सेवा की प्रेरणा को लेकर अपने माता पिता को श्रेय देने वाले इस युवा कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर का कहना है कि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फेसबुक पर कैंपेन भी चलाया था, जो संतुष्टि बाद कई लोगों की ऑनलाइन आर्थिक मदद की गई। पंकज गुप्ता का कहना है कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की परेशानी तथा उचित संसाधनों के अभाव में मैंने अपने मामा को दम तोड़ते देखा है। लॉकडाउन में गरीब बेसहारा की परेशानी को करीब से देखा है। माता पिता से मिले संस्कार और मानव सेवा की प्रेरणा से मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ अपने आप को धन्य समझता हूँ। पंकज गुप्ता ने बताया कि इस पुनित कार्य में उन्हें उनके अंकल राकेश गुप्ता और दोस्त मुस्तफा भाई का काफी सहयोग मिल रहा है। पंकज ने बताया, नगर के सफाई कर्मियों को लगातार हीन भावना से देखा जाता है, पर यह कर्मचारी लगातार कोरोना काल में भी नगर में सफाई सुविधा देते नजर आ रहे हैं। हमारे ठिकरी नगरवासी पंकज गुप्ता है, जिन्होंने नगर को यह सौगात दी है। यहाँ मुख्य चौराहे पर एक प्याने का पाव वाटर कूलर लगाया हुआ है। इन्होंने पहले भी अपनी FD तुड़वा के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन जो है दान दी थी, आज ये नगर को सौगात दी है, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और यकीनन इस वाटर कूलर के यहाँ बस स्टैंड पे लगने से आसपास के जो भी लोग आते हैं, जिनको पानी के पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, उनको ठंडा पानी यहाँ पे पीने को मिलेगा। साथ ही आज नगर के कुछ सफाई कर्मी हैं जिन्होंने इस कोरोना आपदा की घड़ी में
नगर अपना पूरा योगदान दिया, सुबह शाम जो है नगर की सफाई में अपना पूरा पूरा जो है सहयोग किया हुआ है, उन लोगों का भी यहाँ सम्मान किया हुआ है साल श्रीफल से। डिजियाना न्यूज़ निमार रिपोर्ट, ठिकरी।